हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, आप सभी के लिए एक अपडेट देता हूँ। अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट के कर्मचारी हो तो आयुष्मान अथॉरिटी हरियाणा के द्वारा एक लेटर जारी हुआ था परसों। वैसे तो मैंने वो ग्रुप पे डाल दिया था, लेकिन फिर भी कुछ अपने साथी कर्मचारियों को थोड़ा समझ नहीं आया कि भाई वो कहना क्या चाह रहे हैं उस लेटर में। कैशलेस ट्रीटमेंट को लेकर के है, जो कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी दी थी सरकार ने, ठीक है वो वाली। तो देखो, अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इधर आप जुड़ सकते हो। वहां पे लगभग 13,000 से ज्यादा कर्मचारी जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो। वहां पे मैं सर्विस रूल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वीडियो हो, चाहे एक्सक्रीज, मतलब कुछ भी हो, कर्मचारी से रिलेटेड जो चीजें होती है वो वहां पे शेयर करता हूँ और कुछ चीजें बताता रहता हूँ। तो जुड़ जाना, नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों का लिंक है, जहाँ सुटेबल हो वहां जुड़ जाना। अब बात करते हैं उस लेटर की। देखो, उस लेटर में कंसेंट फॉर्म था जिसको वापिस लिया गया। किसका वो कंसेंट फॉर्म था? कि जो आपकी कैशलेस ट्रीटमेंट है उससे रिलेटेड एक रिएम्बर्समेंट का जो था उसको वापस ले लिया। मतलब कि कई हॉस्पिटल में क्या है, एक तो कैशलेस ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो रहा। वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं है, रिएम्बर्समेंट के थ्रू आप ले सकते हो हमारे से ट्रीटमेंट, वो ये कहते हैं। तो उनसे वो चीज वापिस ले लिया। उन्होंने उस लेटर में ये चीज और लिखी है कि जिस हॉस्पिटल के पास मतलब सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो अवेलेबल है, लेकिन उस डिपार्टमेंट का कैशलेस ट्रीटमेंट का अप्रूवल नहीं है। समझना, जैसे कई हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जिनके पास दो तीन डिपार्टमेंट का ट्रीटमेंट होता है, क्या है उसमें रिएम्बर्समेंट में। कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जिनका उनके पास नहीं होता अप्रूवल। तो ऐसे ही सेम इन्होंने कहा है कि अगर किसी हॉस्पिटल के को किसी के पास अप्रूवल अगर नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट का मतलब मेरे से मेडिसिन का हो, आपका आईज का हो, ईयर का हो, या आपका ऑर्थो का हो, कोई भी हो, अगर उन डिपार्टमेंट में उनके पास मतलब स्पेशलिस्ट अवेलेबल है लेकिन उस चीज की अप्रूवल नहीं है कैशलेस की, तो उनको ये कहा है कि आप अप्रूवल करने के लिए एप्लीकेशन डालो। ठीक है, और जितने भी नोडल ऑफिसर हैं उन सभी को ये निर्देश दिया, उस लेटर में लिखा है कि आप ये सुनिश्चित करें कि हर बेनिफिशरी को, मतलब जो कर्म जो इसका बेनिफिट ले सकते हैं, जो हम कर्मचारी हैं, हर कर्मचारी को उस चीज का कैशलेस ट्रीटमेंट का बेनिफिट मिले, ये सुनिश्चित आप करेंगे। तो जो ये चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल कैशलेस ट्रीटमेंट कर नहीं रहे, तो आप लोगों से मेरा एक और सुझाव है। इसके साथ साथ ये तो कर ही दिया कि वो उसको करेंगे, पहले तो आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नोडल ऑफिसर जो कैशलेस ट्रीटमेंट का है उसका पता लगा लो। अगर आपको नहीं पता तो मैं कोशिश करूंगा, कोई पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हुई साइट पे तो मैं उसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा मेरे डिस्ट्रिक्ट का नोडल ऑफिसर कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए ये है आयुष्मान अथॉरिटी का, पहली बात। दूसरी बात, जिस हॉस्पिटल में आप जाते हो ट्रीटमेंट के, अगर वो कहता है कि नहीं भाई मेरे पास कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं है, मैं रीएमबर्समेंट उससे कर सकता हूँ, तो आप उसकी शिकायत नोडल ऑफिसर करो कि जी ये कैशलेस ट्रीटमेंट से मना कर रहा है। और जितने भी पैनल में हॉस्पिटल है सबको कैशलेस ट्रीटमेंट करने के निर्देश हैं, और नोडल ऑफिसर को ये कहा भी है कि आप इस चीज को देखो कि हर बेनिफिशियरी को उस ट्रीटमेंट का लाभ मिले कैशलेस, ना कि रीएम्बर्समेंट पॉलिसी में। ठीक है, तो ये चीज है उसकी। और ये भी लिखा है कि अगर कोई बंदा ऐसा किसी हॉस्पिटल में आ जाता है जहां पे पैनल में नहीं है वो, तो उस हॉस्पिटल का ये दायित्व है कि वो उसको नजदीक के पैनल हॉस्पिटल में रेफर करे ताकि उसका ट्रीटमेंट वहां पे कैशलेस हो सके। समझ गए? तो मेरे हिसाब से इस चीज को अब क्लियर हो गया होगा कि वो लेटर में कहना क्या चाह रहा है। आपको दो काम करने हैं, नोडल ऑफिसर का पता करना है, वो चलो नहीं पता मैं बता दूंगा देख के, डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप में डाल दूंगा, अपना टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ट्रीटमेंट करवाना है हॉस्पिटल में पता करो कि जी हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हरियाणा का ट्रीटमेंट का कैशलेस का चला है कि नहीं चला। मेरे यहाँ पे SGT यूनिवर्सिटी उसमें शुरू हो गया है, मतलब मेडिकल कॉलेज, उसमें कैशलेस शुरू हो रहा है, बाकी हॉस्पिटल में मुझे भी नहीं पता। और आप पता करो, अगर कोई मना करता है तो आप उस नोडल ऑफिसर से भी शिकायत करो, तभी ट्रीटमेंट पर शुरू होगा। जब शिकायतें शुरू होंगी ना होना, तब ट्रीटमेंट होगा, वरना ये नहीं करेंगे हॉस्पिटल वाले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय रहना। आपका दिन शुभ। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर देना। इस चैनल पर आपको जॉब से रिलेटेड अपडेट और हरियाणा कर्मचारियों से रिलेटेड, हरियाणा सरकार के जो कर्मचारी उनके अपडेट में देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। थैंक यू।